जय हिंद। तो आज हम समझ रहे हैं कि आखिर सिंगापुर जो है वो इतना डेवलप कैसे हुआ। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे छोटा सा जो सिंगापुर है, इतना छोटा इलायची बराबर, यह इतना डेवलप कैसे हो गया, कौन सी ऐसी टेक्निक को लगाया है कि यह इतना ज्यादा डेवलप हो गया, और करा नहर के बनने से क्या होगा, कोई भूकंप तो नहीं आने वाला है, इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। ये भूकंप आएगा लेकिन कहाँ पे आएगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बस जस्ट 2 मिनट की वीडियो है, छोटी सी वीडियो है, आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये जो सिंगापुर है वो इतना डेवलप कैसे हुआ। तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे वर्ल्ड मैप का रफली यहाँ पे नक्शा बना लिया है, क्यों यहाँ पे जो हमारा उधर वाला यानी एशिया का हमारा पूर्वोत्तर वाला जो एरिया ईस्टर्न एरिया है, ये हमारा जो कि बना लिया गया है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें समझ सकते हैं कि ये हमारा इंडिया है, इंडिया के बाद हमारे इधर चाइना है, नीचे हमारा थाईलैंड है, ये हमारा जो कि सुमात्रा जो हमारा इंडोनेशिया है, हमारा मलेशिया है, मलेशिया में हमारा सिंगापुर यहाँ पे छोटा सा है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, और इधर हमारा ताइवान है, यहाँ पे फिलीपीन है, यहाँ पे जापान है, उत्तरी कोरिया है, दक्षिणी कोरिया है। तो ये आपको पता है भाई, इसमें मैप है, ठीक है। और समझते हैं, देखिए यहाँ पे जो है हमारा मलेशिया वाला एरिया है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सिंगापुर, सिंगापुर जो है इतना डेवलप कैसे हुआ, तो हम बता दें कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक हमारे यहाँ पे चूंकि मलक्का है, ठीक है, चूंकि हमारे यहाँ पे इंडोनेशिया में ही यहाँ पर एक हमारा मलक्का शहर है, ठीक है, तो उसी के नाम पर यहाँ पे चूंकि मलक्का हमारा एक चूंकि जल संधि को बनाया गया, ठीक है, तो मलक्का जल संधि भाई क्या करता है, जो ये हमारा सागर है, तो दक्षिणी चीन सागर, यानी ये हमारा चीन है, चीन के दक्षिणी में है, तो दक्षिणी चीन सागर, और ये हमारा जो अंडमान निकोबार है, तो अंडमान सागर को यहाँ पे जोड़ने का कार्य करता है, यानी जल संधि क्या करता है भाई, ये दोनों मतलब सागरों को जोड़ने का कार्य करता है, तो इधर से और इधर में, यानी इसमें जोड़ने का जो कार्य कौन करता है, तो मलक्का करता है। अब मलक्का का ही सब खेल है इसमें, देख लीजिए भाई, देखिए यहाँ पर सिंगापुर है, और चूंकि यहाँ पर देखिए चाइना है, चाइना में देखिए मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो चाइना में सबसे ज्यादा आगे है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के काम में चाइना सबसे ज्यादा आगे है। और यहाँ पे आप ताइवान को देख लीजिए, ताइवान के पास सिलिकॉन वैली को कहा जाता है, ठीक है, सिलिकॉन शील्ड कहा जाता है, पूरे वर्ल्ड का सिलिकॉन शील्ड कौन है भाई, तो हमारा ताइवान है, ठीक है। और इधर हमें आपका जापान है, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया है, फिर यहाँ पे फिलिपीन है, जितना भी यहाँ पे आप देख रहे हैं सबका यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो निर्यात करते हैं लोग, कहाँ से भाई होता है, तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए ये हमारा मतलब कि यहाँ पे हमारा हांगकॉन्ग है, यहीं पर हमारा मकाओ है, ठीक है, शंघाई है, और इसमें मतलब कि जितना भी ये सब है, ठीक है, सब यहाँ पे जाता कहाँ पे, तो यहीं पे, ठीक है, सब हमारे जाएगा कहाँ पे, तो यहीं पे मलक्का से होते हुए, चाहे वो ताइवान से आए, चाहे वो हमारे इससे आए, ठीक है, सबसे एकदम मतलब चाहे वो फिलीपींस से आए, जहां से इधर से जहां से भी आए, सब जाएगा कहाँ से, यहाँ से मतलब कि मलक्का से होते हुए ही। अब देखिए मलक्का से जब सब कुछ होते हुए जाएगा, तो मलक्का के पास आकर के रुकेगा, तो यहाँ से तो मान लीजिए अपने खाने पीने का सामान जो भी शिप में भर करके ले जाएंगे, खाने पीने का सामान ले लिया, कंटेनर को लाद लिया, चल दिया भाई, चलो मैं निकला गड्डी लेके, ठीक है, गड्डी लेके निकल गया भाई, आया इधर। अब आया जैसे ही, तो भाई इतना आने में भाई उसका तेल तो सब खर्च हो ही गया होगा, ठीक है, तो जो भी पेट्रोल होगा खत्म हो गया होगा, खाने पीने का सामान भी नहीं होगा, आएगा यहाँ पर, यहाँ पर सिंगापुर के पास, चूंकि कोने पर एकदम देख लीजिए कोने पर है, और ये सिंगापुर के आकर के आकर रुक जाएंगे सब, ठीक है, रुकेंगे सब वहां पे, थोड़ा आराम आराम करेंगे सब, जो भी पेट्रोल वेट्रोल होगा भरेंगे सब, खाने पीने का सामान लेंगे सब, और फिर यहाँ पे चलेंगे सब, और फिर यहाँ पे चलेंगे सब, यहाँ पे मलक्का नहर से होते हुए इधर जाएंगे सब अपना, और फिर यहाँ पे आने जाने में फिर यहाँ पे एक हफ्ता जो कि लगता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है भाई, यहाँ पे हमारा जो अफ्रीका महाद्वीप है, इधर आने में मतलब एक हफ्ता का लगभग समय लग जाता है। कितना मान लीजिए स्पीड होता है यहाँ पे, जो जहाज होते हैं सब, उनका मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, यहाँ पे तेज कितनों भी तेज चलेंगे सब, यहाँ पे 20-35 की स्पीड से यहाँ पे चलते हैं सब, ठीक है। तो यह देखिए सब कहाँ पे जाएगा, तो मलक्का से होते हुए यहाँ पे जाएगा, जितना भी निर्यात करेंगे लोग सब मलक्का से होके मतलब ट्रांसपोर्ट जो है किया जाएगा, और यहाँ से ये देखिए जो भी यहाँ पे कैंट मतलब कि जो भी यहाँ पे जहाजें जाएंगी, जहाजें जो होंगी, यानी इसमें सिंगापुर क्या करता है कि एक कंटेनर पे 5,000 रुपये जो कि लिया जाता है, ठीक है, एक कंटेनर पे आपका 5,000 रुपये लगता है, ठीक है, अगर आप यहाँ से ले जाते हैं तो। अब देखिए एक कंटेनर में 5,000 जाता है, अब एक सिप में अगर छोटी सिप है तो कम से कम उसमें 10,000, कम से कम आपके 10,000 जो कंटेनर होंगे, और बड़ी सिप है तो 20,000 कंटेनर कम तो होंगे ही नहीं। तो मान लीजिए अगर छोटी सिप जा रही है तो 10,000 कंटेनर, तो इसमें अगर 10,000 से गुणा कर दें, ठीक है, 10,000 से गुणा कर देते हैं, तो अब देखिए अब यहाँ पे आप कर लीजिए, तो 5,000 हमारा, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000,00,000, 10,00,000 करोड़, 5 करोड़ केवल एक जहाज पे, समझ सकते हैं भाई, 5 करोड़ केवल एक जहाज पे, यानी 5 करोड़ केवल और केवल एक जहाज पे। तो दिन भर में वहां पे बता दें आपको, हम यहाँ पे 200 से ज्यादा जहाजें वहां पे जाती हैं, तो मान लीजिए 200 से ज्यादा, ठीक है, यहाँ पे 200 मान लीजिए, 200 जहाजें दिन भर में जाती हैं, तो 200 का फिर इसमें उल्टू कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 दुनी के 10, ठीक है, 5 दुनी 10, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक, इतना रुपया भाई,
सोच सकते हैं भाई, अमीर हो गया पूरा एकदम सिंगापुर, इसीलिए इतना डेवलप हो गया। यहाँ पे जितना भी लोग जाते हैं, मतलब जितना भी यहाँ पे जहाजें जाती हैं, बड़ी बड़ी शिपें जाती हैं, सब यहाँ पे अपना जो कि पैसा देती हैं, एक कंटेनर पे यहाँ पे जो कि 5,000 रुपये लगता है, ठीक है। और जितना भी जाएंगे यहीं पर अपना जो कि सिंगापुर जो है ना, यहीं पर अपना पोर्ट ऑफ कॉल बना रखा है, ठीक है, पोर्ट ऑफ कॉल, ठीक है। पोर्ट ऑफ कॉल भाई क्या होता है, यहाँ पर आएगा सिर्फ, यहाँ पे रुकेगा, जो भी पेट्रोल वेट्रोल होगा वो भरेगा, खाने पीने का सामान भरेगा, फिर यहाँ पे अपना गाड़ी लेकर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो पोर्ट ऑफ कॉल है, पोर्ट ऑफ कॉल से वो इतना ज्यादा पैसा कमाता है, इसकी इकोनॉमी जो है इतनी ज्यादा इसमें मतलब स्टैंड कर देता है एकदम ना, कि ये इतना ज्यादा डेवलप हो गया है। तो इसकी इकोनॉमी जो है वो एकदम इसी पे डिपेंड है, यानी जो भी यहाँ पे जहाज आती जाती है इसी पे इसकी इकोनॉमी जो है वो डिपेंड है, पोर्ट ऑफ कॉल पे ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम बात करते हैं किरा नहर बनने से क्या होने वाला है, तो किरा नहर बनने से तो भूकंप आने ही वाला है। अब भाई थाईलैंड जो है ना, ये कह रहा है, चूंकि आपको देख रहे हैं कि अभी समुद्र से भाई कितना ज्यादा फायदा होने वाला है, तो अब ये जो थाईलैंड है ये कह रहा है कि हम यहीं से अपना काट देंगे, यहीं से क्या करेंगे, काट देंगे, और काट करके यहीं पे अपना बनाएंगे किरा नहर। क्या बनाएंगे? किरा नहर, ठीक है, किरा नहर, ठीक है, किरा नहर बनाने के लिए कह रहा है। अब जैसे ही किरा नहर बनेगा तो ये सब क्या करेगा भाई, इधर से ही नहीं जाएगा। अब भाई इतना दूरी से घूम के जाने का कोई प्रयास करेगा नहीं, यहाँ पे यहीं से घूम जाएगा और यहीं से हमारा जो कि किरा नहर से होते हुए चला जाएगा। तो अब भाई डेवलप कौन हुआ, ये हमारा थाईलैंड डेवलप हुआ, थाईलैंड डेवलप हुआ। तो भाई सिंगापुर की इकोनॉमी तो चौपट होनी ही है, और सिंगापुर के अब भूकंप भाई कहाँ पे आएगा, किरा नहर बनने से भूकंप आएगा सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर में भाई भूकंप आएगा, सिंगापुर की इकोनॉमी एकदम चौपट हो जाएगी अगर किरा नहर बन जाएगा। किरा नहर को भाई तोड़ तोड़ के बनाया जा रहा है, तोड़ेंगे अब भाई उसको बनाएंगे लोग, तब यहाँ पे इकोनॉमी एकदम इसकी इतनी तगड़ी हो जाएगी, थाईलैंड की इकोनॉमी सिंगापुर से भी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। लेकिन वैसे भी इतना जल्दी नहीं होने वाला है, क्योंकि सिंगापुर अपना यहाँ पे पूरा बेस बना चुका है, ठीक है। यहाँ पे अब जो भी आता है इधर से ही आता है, मलक्का से होके। तो आई होप कि आपको समझ आएगा होगा कि जितनी भी यहाँ पे मतलब सिंपल सा आप समझ लीजिए, जितनी भी ट्रांसपोर्ट पोर्ट किया जाता है वो हमारा यहाँ पे मलक्का से होकर के जाता है, जिसके कारण सिंगापुर जो है वो इतना ज़्यादा डेवलप है। और इसकी कुछ भाई समुद्री सीमा भी होती है, आधार मतलब आपको बेस लाइन पढ़ा रखा है, ठीक है। तो इसकी कुछ बेस लाइन भी होती है जिसके हिसाब से वो टैक्स भी लेता है, तो उसके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप हो गया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि सिंगापुर आखिर इतना डेवलप कैसे हुआ, और किरा नहर के बनने से भाई क्या होने वाला है, भूकंप तो आने ही वाला है सिंगापुर में। तो आई होप कि आपको जो कि समझ में आ गया होगा कि आखिर सिंगापुर इतना डेवलप कैसे हुआ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, वंदे मातरम।